हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मानसी ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो यहाँ मैं दूसरा फ़ोन ले रही हूँ अपने हाथ में, कुछ कमेंट्स मैं पढ़ के आप लोगों को बताऊँगी। वैसे मेरी आईडी पे कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं आता, बहुत ही कम होते हैं। देखो, ट्रोलिंग सबकी होती है। जब भगवान को भी ट्रोलिंग किए बिना नहीं छोड़ा गया, कि भगवान कृष्ण को भी 50 इल्ज़ाम लगाए गए कि इनकी अनेकों रानियां हैं, ये छलियां हैं, ये रणछोड़ हैं, तो मैं क्या चीज़ हूँ, है ना। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि तुरंत के तुरंत उन पे जवाब दिया जाए तो अच्छा होता है, ताकि सामने वाला हमें ये ना समझे कि हम कायर हैं या बुज़दिल हैं। मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं बना पा रही क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं। मैं कोई डरी नहीं हूँ, मैं कोई यूट्यूब छोड़ के नहीं भाग रही, और आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही करना चाहती हूँ। कुछ अच्छी चीज़ें मैं पेश करना चाहती हूँ, क्योंकि जो अकेली औरतें रह रही हैं समाज में, उनको थोड़ा हौसला मिले, उनको एक वो मिले कि हाँ, जब ये औरत इतना कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो उसी पे कल मैं जयपुर गई थी किसी काम के सिलसिले में, तो कल सारा जयपुर का काम हुआ। मैं चाहती थी कि वहाँ पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि गाइस इतनी गर्मी थी ना कि कुछ भी मन नहीं कर रहा था। और अब मैंने वहाँ पे जाके एक चीज़ को महसूस किया कि मैं जो दिन भर बैठी रहती हूँ अपने चैम्बर में या अपने घर में, तो थोड़ा मुझे वर्कआउट करना चाहिए, क्योंकि बॉडी अब बिल्कुल भी मेहनत को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। सिर्फ जो बैठने वाले काम हैं वो मैं कर पा रही हूँ, बाकी मेहनत वाला काम कोई भी मैं कर नहीं पा रही। तो मैंने खुद ने ही ये सारे चीज़ें गलत कर रखी है अपने साथ। अब मैं भी घर से बाहर निकला करूँगी, घर के बाहर का एनवायरनमेंट देखूँगी। तो चलिए अब बात शुरू करते हैं हम अपने मुद्दे की। और हाँ, आप लोग कुकू के लिए पूछते, कुकू बहुत अच्छी है और उसकी अभी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है क्योंकि उसका कोल्ड जा ही नहीं पा रहा। गर्मियों का जो कोल्ड होता है ना गाइस, वो सबसे ख़राब कोल्ड होता है, क्योंकि हम एसी को तो छोड़ ही नहीं पाते, एसी के बगैर नहीं रह पाते, ठंडी चीज़ें खाते हैं, ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो नहीं। और कुकू इतना ज़िद्दी हो गई है वो आजकल, क्योंकि नानी का उसको भरपूर लाड़ प्यार मिल रहा है। मेरा पूरी फैमिली मेरे साथ रह रही है, इवन मेरे ख़ानदान के लोग भी रह रहे हैं मेरे साथ, तो घर एकदम ऐसे भरा रहता है। उसे सर आँखों पे सब लोग बिठा के रखते, तो इतना नहीं वो उसको डरा पाती, मैं नहीं वो कर पाती, कि मम्मी का एक वो होता है ना, कई बेबीज़ को फूविया, वो नहीं हो पाता। तो इसलिए अभी एक महीने से ऊपर होने को आया, उसका जुकाम बिल्कुल भी सही नहीं हो पा रहा। बीच बीच में स्कूल भी जाती है, स्कूल 2-3 दिन जाती है, फिर बीमार पड़ जाती है, तो इसलिए उसको ज़्यादा मैं दिखा नहीं पा रही और बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पा रही अभी चैनल पे। क्योंकि गाइस कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे ग्रहण लग जाते हैं ना, जिन्हें हम चाह कर भी नहीं हटा सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल एक पॉइंट को मैं क्लियर करना चाहूँगी, जो कई मेरी ट्रोलर्स बोल रही हैं और कह रही हैं कि रेखा झूठ बोलती है। तो रेखा क्या बोलती है क्या नहीं बोलती, जो मुझ पर गुजर रही है ना, आप लोग उस जगह आके देखिए, मेरे साथ रहिए, तब आपको मालूम चल जाएगा कि मैं कितना झूठ बोल रही हूँ, कितना सच बोल रही हूँ। ये ऐसा नहीं है, कुछ जेन्युइनली ट्रोलिंग्स होती है, कुछ मेरे रिश्तेदार, मेरे पति, मेरे सास ससुर ये कह के करवाते, बट रेखा इन सब से नहीं थमने वाली है। रेखा की राह अलग है, रेखा की मंजिल अलग है, रेखा को जो करना है वो करेगी, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके साथ में। तो कई लोगों का कहना है मैं झूठ बोल रही हूँ, आप बताओ अपने बच्चे को कोई उठवाने की प्लानिंग खुद बनाएगा? अपने घर में गुंडे बुलवाने की प्लानिंग कोई खुद बनाएगा? आप बना सकते हैं? अपने बच्चे पे प्रहार करवा सकते हैं? अपने घर पे प्रहार करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते ना। और मैंने ये बोलना कब से शुरू किया, शायद आप मेरी ऑडियंस हैं, जो अच्छी ऑडियंस हैं, मैंने बहुत चीज़ों को छुपाया, बहुत चीज़ों को दबाया कि नहीं, ससुराल वालों के लिए कुछ गलत बोलूँगी तो ऐसा होगा वैसा होगा, मैं बहुत डर के जी रही थी। लेकिन फाइनली मैंने 1 जून से बोलना स्टार्ट किया, जब मेरी बेटी और मुझ पर प्रहार करवाए गए, हमारे साथ बदतमीज़ियाँ करवाई गई, तब मैंने प्रदीप और प्रदीप की फैमिली के बारे में बोलना शुरू किया, जो कि कभी नहीं थमेगा जब तक उन लोगों को कोई सजा नहीं होगी,
या जब तक कोर्ट कोई मतलब एविडेंस नहीं लेगा तब तक मैं ऐसे ही बोलूंगी, और जिस दिन इस चीज़ का फैसला होगा उस दिन वो भी मैं बताऊंगी आप लोगों को, ठीक। तो और हाँ, यहाँ YouTube पे मेरी किसी से कोई बैर नहीं है, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, सबसे मेरे अच्छे संबंध हैं। कुछ चीज़ें हुई थी बीच में, तो ऐसा नहीं है कि मैं उन लोगों को ही कहूँगी, उन लोगों को भी किसी और लोगों ने भड़काया, तो मैं किसी के लिए भी कुछ भी नहीं बोलती। YouTube पे जितने भी क्रिएटर्स हैं मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ और सबको अच्छा मानती हूँ। कुछ क्रिएटर्स से मेरी बात होती है, जैसे है मतलब यहीं पे ही कुछ रिलेशंस ऐसे बने हैं जो एक अच्छा लगता है कहना, भाई बहन ऐसा लोगों ने निभाए भी हैं रिश्ते यहाँ पे। तो इवन किसी ने अगर मेरी ट्रोलिंग करी होगी, जैसा कि आप और लोगों की बदनामी करते हैं, जो भी है, मेरी उन लोगों से भी कोई झगड़ा नहीं है। मैं सबसे मेरी बातें होती हैं, सबसे मैं बात करती हूँ, सबसे अच्छे रिलेशंस हैं मेरे। अब किसी ने जैसे मैं, मेरे को लगता है क्योंकि मंजू जी काफ़ी सर्वाइव कर रही हैं अपनी लाइफ में, उनसे पर्सनली मेरे पर्दे के पीछे के कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं उनको अपनी बड़ी बहन जैसे मानती हूँ, वो भी मुझे बहुत अच्छा मानती हैं, और भी बात होती है, ऐसा नहीं है, मेरी अलका से भी बात होती हैं और मेरी सोनिया से भी बात होती हैं, क्योंकि मैं किसी के झगड़े में ना कभी आज तक पड़ी हूँ और ना मैं कभी पड़ूंगी झगड़े में, क्योंकि मेरी फैमिली में ही गाइस इतने सारे झगड़े हैं कि मुझे कभी किसी के फैमिली के झगड़े में नहीं पड़ना है। और रही बात, मैंने ये चीज़ मैंने बहुत पहले और किसी को भी कही थी कि एक माँ कभी गलत नहीं हो सकती, है ना। तो कई लोगों ने किसी की माँ किसी के बेटे पे उंगली उठाई, तब भी मैंने वहाँ ये चीज़ कही थी कि कोई भी माँ कभी भी गलत नहीं हो सकती, भले चाहे वो कैसी भी माँ हो, कोई भी अपने बच्चे को कभी दुख नहीं पहुँचा सकती। तो यहाँ मंजू जी की कई सारी मैंने वीडियोस को अपनी कम्युनिटी में लगाती हूँ उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको मॉरली मतलब एक मेंटली सपोर्ट होता है ना इंसान को, तो उसको अच्छा लगता है कि हाँ चलो कुछ लोग मेरे लिए बोल रहे हैं। उसके अलावा मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं है, मैं चाहती हूँ सब लोग अपने घरों में खुश रहें, मैं खुश नहीं हूँ तो क्या हुआ, दूसरे लोग तो खुश रहें। तो उन पर किसी ने, उनकी एक वीडियो पे किसी ने कमेंट किया कि रेखा के केस में आप कुछ मत बोलना नहीं तो आप फंस जाओगी, रेखा झूठ बोल रही है। तो पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि मेरे केस में कोई भी ना बोले, यहाँ YouTube की दुनिया से वहाँ कोर्ट केस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, वो मुझे खुद को ही लड़ने हैं, मुझे वहाँ पे एविडेंस खुद को ही देने हैं जो जो चीज़ मैंने बोली है। मेरे लिए कोई नहीं बोले उसके लिए मैं खुद बोलती हूँ। दूसरा, मैं झूठी हूँ या गलत हूँ वो तो समय बताएगा कि मैं क्या हूँ, लेकिन हाँ किसी पे उंगली उठाने से पहले आप अपने आप को मेरी जगह देख लीजिए। जो भी आईडी है, आईडी का नाम मैं नहीं लूँगी क्योंकि देखो उसकी भी कोई दुनिया होगी, वो भी किसी की बीवी होगी, किसी की माँ होगी, तो मैं किसी के लिए नहीं बोलना चाहती। उस प्यारी सी ऑडियंस को बस यही कहना चाहूँगी कि बहन तुम्हें नहीं मालूम कि मैं और मेरी बेटी क्या क्या चीज़ों को सर्वाइव कर रहे हैं, क्या क्या मतलब ये कुछ है जिसमें से मैं पढ़ रही तो उस चीज़ को मैं ही भुगत पा रही हूँ, और भगवान ना करे कभी तुम इस सिचुएशन से गुजरो। तो बस यही है कि किसी को ऐसे मत बोलो कि वो झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, ये जनता है इसको सब पता है। जो मेरी वीडियोस मैंने बनाई थी उस टाइम इतने सारे व्यूज़ गए, लोगों ने इतना सपोर्ट किया, वो ऐसे ही नहीं किया था मुझे सपोर्ट, सबको पता है कब किसको कहाँ और किस चीज़ की ज़रूरत है, तो आपके बताने से कुछ नहीं होगा। रही बात मेरी कुकू के लाइफ में या मेरी लाइफ में, हो सकता है पति का प्यार नहीं है, लेकिन हाँ मैं अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से निभाऊंगी और इसकी मिसाल मैं आप लोगों को दूंगी, क्योंकि शादी सिर्फ एक बार होती है, ज़िंदगी में प्यार सिर्फ एक बार होता है, जो कि मैंने मेरी बेटी के बाप से किया। वो मुझे ज़िंदगी में अच्छा नहीं मिला, तो मैं भगवान भोलेनाथ के दिन चल रहे हैं, और मैं बहुत भोलेनाथ की, मेरी फ्रेंड सर्कल पूरा जानता है मैं कितनी पूजा करती हूँ, कभी भी इन चीज़ों का बखान अपने मुंह से नहीं करना चाहिए, तो मैं नहीं कर रही। बस वो जैसा भी है जहाँ भी है वो
अपनी दुनिया में खुश रहे। भगवान मुझे इतनी ताकत दे कि मैं इन सब चीज़ों को बर्दाश्त कर पाऊँ और मेरा दिल इतना बड़ा बन पाए कि मैं हर चीज़ को एक्सेप्ट कर पाऊँ। बस मैं यही चाहती हूँ अपने आप से। और गाइस यकीन मानिए कि मैं सिर्फ आप लोगों से यही चाहती हूँ कि आप अपनी सोच को बदलें। आप लोग मेरे साथ सदैव खड़े रहें क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास भी 24,000 ऑडियंस है और मुझे लगता है कि कोई मामूली बात नहीं होती, ये बहुत बड़ी बात होती है। और मुझे खूब आप लोगों का सपोर्ट मिला, प्यार मिला, दुलार मिला। बस इसी के साथ चलते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ आप लोगों से, कोई मेरे केस में कुछ मत बोलो क्योंकि केस में जो करना है मैं करूँगी, हमारी राजस्थान पुलिस करेगी और हमारी जुडिशियरी करेगी। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप लोग, जो मैं आज इस क्षण में अकेली खड़ी हुई हूँ, ऐसी कोई भी रेखा ना खड़ी हो पाए। शादी को जिन लोगों ने मतलब दहेज लेने का वो समझ रखा है एक ड्रामा, वो ड्रामा इस समाज से बंद हो। और कई मतलब बड़ी फैमिली के लोगों ने सोच रखा है कि शादी क्या है, तलाक दे देंगे, डिवोर्स फाइल कर देंगे, लड़की भाग जाएगी। तो इस शादी और इस हिंदू रीति रिवाज को जिन लोगों ने ढकोसला मान रखा है, ड्रामा मान रखा है, उन लोगों के मुंह पे तमाचा पड़े। क्योंकि देखो, ये तो मुझे भी पता है कि अब चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, हम साथ नहीं रह पाएंगे। लेकिन जो मेरे हिंदू रीति रिवाज को मेरे पति और मेरे सास ससुर ने ड्रामा बनाया है ना, उस ड्रामे को मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। ये फैमिली कोर्ट में इतने सारे केसेस चलते हैं, इन पे कुछ तो प्रतिबंध होना चाहिए। क्योंकि जिस लड़की को यही नहीं मालूम कि उसके लिए ये डिवोर्स केस डाला क्यों गया, वो बेचारी क्या कर सकती है। मेरे साथ भी यही है, मैं आज तक नहीं समझ पाई कि ये डिवोर्स केस क्यों डाला गया। जब डिवोर्स केस डालना था तो शुरू में ही डाल देते, मुझे 7 महीने की प्रेग्नेंट करके फिर आपने डिवोर्स केस डाला। मेरा मेन मुद्दा बस यही है ना। कुकू का बर्थडे आने वाला है, आप देखिए, आप खुद सोचिए कि कोई पिता, कोई अम्मा बाबा इतने घटिया भी हो सकते हैं। मैंने क्यों नहीं बोला पहले, क्योंकि मैं चाहती थी कि ये घर बने और मैंने बहुत कोशिश करी इस घर को बनाने की, बहुत त्याग किए। मम्मी जी, मतलब मम्मी जी खैर उस औरत को क्या बोलूँ, उर्मिला कुंतल के हर रोज़ नई चीज़ें, ये नया चाहिए, वो नया चाहिए, ये ला वो ला। गाइस आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने 1 महीने तक तो रोज़ मतलब मेरे हॉस्पिटल से मार्केट में होके निकल के गई हूँ, रोज़ कुछ ना कुछ शॉपिंग, आज ये खरीद ले जाओ, आज ये खरीद ले जाओ। और आज भी मैं आपको दिखाऊंगी, मात्र सिर्फ वो मुझे मानसिक मेरा संतुलन खराब करने के लिए मेरे साथ किया गया, वो लेके कुछ नहीं गई, सारी चीज़ें वहीं की वहीं पड़ी हुई हैं, लेके सिर्फ वही गई है मेरी ज्वेलरी वगैरह, जो कि वो बहुत पहले ले जा चुकी है। मुझे वो भी नहीं चाहिए, इनसे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इस बात का आंसर चाहिए कि आप लोगों ने इतना गलत मेरे साथ इतना लेट क्यों किया। आप मेरे साथ ये गलत चीज़ें पहले कर देते तो मैं खुद चली जाती, अब इस मासूम सी बच्ची को मैं किसके यहाँ लेके जाऊँ, आप बताओ। मैं खुद पाल सकती हूँ लेकिन मैं अपने नाम के साथ क्यों पालूँ। प्रदीप सिंह का नाम भी मुझे चाहिए क्योंकि मैंने अकेली ने नहीं पैदा किया इस बच्चे को, उसने भी पैदा किया है। और रही बात बहुत सारे रिलेटिव्स जिनसे ये लैंग्वेज बुलवाई जाती है, इतना सब कुछ है तो हाथ क्यों फैलाती है। मैं हाथ नहीं फैलाती, ये मेरा हक है जो वो दे रहा है, और उसे वो भी वो 400 BC से दे रहा है क्योंकि उसने मेरी डिग्री को लगाया है, उसने बहुत सारे एविडेंसेस दिए हुए हैं, तब जाके वो ये 20,000 रुपये दे रहा है। जबकि उसकी पेमेंट 180 के समथिंग है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इस घर को जो भी कहे नज़र लगी चाहिए, वो सिर्फ मेरी सासू माँ की ही वजह से टूट रहा है और कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है। क्योंकि उर्मिला कुंतल को इतना ज़्यादा घमंड है, और देखना एक दिन शंभू जी उसके इस घमंड को तोड़ेंगे, क्योंकि वो इंसान को इंसान ही नहीं समझती। वो सोचती है मेरे 2 बेटे नौकरी लग गए तो हम ही सब कुछ है, तो ऐसे नहीं है। दूसरे लोग भी इंसान हैं और दूसरे लोगों के भी माँ बाप हैं, उनकी माँओं के भी दिल धड़कते जब रोती हुई आवाज़ को वो फ़ोन पर सुनती हैं कि मम्मी मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा। मैं हमेशा एक ही चीज़ होती थी,
खैर मैं पुराने दिनों को याद नहीं करना चाहती, तो मैं अपनी प्यारी प्यारी ऑडियंस से यही कहना चाहूँगी कि आप सब लोग हमेशा मेरे साथ बने रहें, हमेशा अपने प्यार को मेरी ब्लॉगिंग में हमेशा दिखाया करें। आपके आशीर्वाद से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और आपके आशीर्वाद से ही मैं आगे तक जाऊँगी। और रही बात ट्रोलरों की, तो उनसे हाथ जोड़ के बस यही कहूँगी कि मेरी जगह आप अपने आप को रख के देख लो, न जाने कहीं अनजाने में आपके साथ भी ऐसा हो जाए तो आप क्या करें। आप ये देख लो, आपका बच्चा आज आपके पति के बगैर नहीं सोता होगा, उसके सीने से लग के सोता होगा। मेरी बेटी कैसे रहती है जब उससे बहुत सारी चीज़ों के जवाब नहीं मिलते। हेलो, जो कुछ भी मैंने अचीव किया है अपनी मेहनत से अचीव किया है, मेरे को किसी के सामने कोई हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं, और जो मेरा हक है जो मुझे मिलेगा वो मैं लूँगी। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो अच्छा लगता है और मैं कोशिश करूँगी कि आपको रोज़ ब्लॉगिंग दूँ, क्योंकि कई लोगों को बड़ी खुशी हो रही है कि बढ़िया इसके ब्लॉग नहीं आ रहे, बढ़िया ऐसे करके धीरे धीरे ये गायब हो जाए। मैं गायब कहीं नहीं होंगी, आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर की जाएगी। थैंक यू गाइस, ऑल ऑफ यू लव यू, और प्लीज़ शेयर माय चैनल एंड सब्सक्राइब इट।